शादी से पहले आजकल हर जगह ऐसा सिस्टम हो गया है, तो वहां भी नहीं, राजस्थान में भी ऐसा हो गया, जोधपुर में भी ऐसा हो गया है, जाते हैं वहां पर दो चार छह महीने फ्री लॉन्चिंग रखे होंगे, घूमते होंगे साहब एक दूसरे को मिलते होंगे, तो हमारे यहाँ घंटा दो घंटा चार घंटा जरूर देते हैं भाई आपसे पूछ, और क्या पूछते हैं वो पूछते हैं कि हमारा कहीं कोई अटैचमेंट तो नहीं, तो लड़की कहेगी अटैचमेंट है, आप शादी करना चाहते हैं अटैचमेंट देखे, वो लड़का ही पूछ पहला प्रश्न ये पूछता, क्योंकि वो लड़के आके मुझे वापस कहते हैं गुरु जी काम बैठा नहीं, ये क्यों नहीं बैठा मैंने तो ये पूछा, मैं क्या पूछा कि मैंने पूछा कि तुम्हारे पास अटैचमेंट तो नहीं, मैंने कहा उर्दू के पठे वो तुम्हें ये कहे ये प्रश्न इस तरीके से पूछने का है, पूछना है तो और तरीके से पूछना, तो मैं पूछ लूंगा कि मैं तुम्हें शादी करने को तैयार हो, मगर मेरा तो कह दे तुम तीन चार जगह से है, तेरे भी कुछ है तो अपन तो फ्री है, तुम फ्री हो तो बोलो जरूर कह देगी थे बोलो ये खुला है तो फिर मैं भी बता दू, वो तो बताएगी बता दूंगा कि ऐसा जवाब नहीं देगा, मगर अब उनके दिमाग में कॉम्प्लेक्स जो है टेंशन है वो यही है कि कहीं ऐसा गड़बड़ तो नहीं है, ये उनके मन का फैसला है, मगर जो हमारी शादियां हुई थी आप लोगों की शादियां हुई थी तब तो लड़की को देखा ही नहीं, अचानक पिताजी ने जाकर के कुछ फाइनल फैसला कर दिया, अनुसार बस तुम्हारी सगाई हो गई है, तुम्हें उस शादी को चलना है, शादी को निकलना है, हम चले गए, दो साल तक उसका चेहरा ही नहीं देखा, बाकी दो तीन साल के बाद मालूम पड़ा कि अच्छा शादी है हमारी युवा है, तो हमें मालूम नहीं था कि ठीक है लोगों से पीतल की थाली है तो पीतल की थाली है, सोने की थाली है तो सोने की थाली है, अब मैं घबरा हूँ कि मैं पीतल की थाली में खाना खा रहा हूँ, लोग सोने की थाली में खाना खा रहे हैं, मगर मेरे संबंध तो 50 वर्ष बीत गए और 50 वर्षों में भी कभी लड़ाई हुई, शादी के बाद कभी लड़ाई नहीं हुई, ये बड़ी चिंता की बात ऐसी है, मैं कई बार कहता हूँ कि भाई व्यक्त तो गुलाब बिक्रे होना चाहिए, जो खुशबू दे कभी कोई कांटे चुभने चाहिए, अब कांटे चुभे कहाँ से, लड़ाई झगड़े के कोई पॉइंट बने तो चुभे, पॉइंट ही नहीं बने तो लड़ाई कहाँ से हो, और जो ज्यादा इंटरव्यू लेकर के निकलते हैं वो तो 4-6 महीनों बाद इस प्रकार से लड़ने लग जाते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि अभी बेचारे सुखी होंगे, मैंने आशीर्वाद दिया है तो वो तो गुरु जी अब हमारा आपको मिलेगा नहीं, तो ये अपनी जगह हम अपनी जगह आप निर्णय क्या निर्णय करना, बहुत सोचा है समझा है आपने पूछा है, ये सारी समस्याएं इसलिए हैं कि हम उसकी मूल आत्मा में और उस आत्मा को पहचानते नहीं, कोई पति लड़ना नहीं चाहते पति, कोई डिफेंस पैदा नहीं करना चाहता, कोई पति नहीं चाहता मेरा व्यक्त मिले, मगर हम बुद्धिवादी ज्यादा है वो भी बुद्धिवादी ज्यादा है, उसको डाउट है मेरा पति कहेंगे गड़बड़ है, रात को 11 बजे आया है गड़बड़ बस यहाँ से शुरुआत हो जाती है, और वो फिर सब बनता 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 वो कहते हैं कि शादी जब होती है तो ब्राह्मण एक गांठ लगाता छोटी सी दोनों के बीच पल्ला पल्ली बांध और वो गांठ बनती 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 दोनों के टूट रखती वो सब पैदा हो, और मगर वो सब वो भ्रम हम जितना समझाने की कोशिश करेंगे उतना ही सब बढ़ता है, ये सारी बुद्धि है, और जब तक हम बुद्धि का प्रयोग करते रहेंगे कहीं कोई अटैचमेंट में प्यार प्रेम घनिष्ठता आदमी के बीच भी नहीं हो सकती, देवताओं के बीच भी नहीं हो सकती, इसलिए मंत्र उस मंत्र में भी उसके अंदर की आत्मा में प्रवेश करना पड़ेगा, उसके अंदर के स्वरूप को समझना पड़ेगा, जो मैं मंत्र बोलता हूँ बगलामुखी का ये तो बाहरी स्वरूप है, जो कुछ आपने सुना है और आपने उसका अर्थ किया है वो बाहरी अर्थ, अब जब मैं कह रहा हूँ कि मंत्र को सिद्ध करना है मंत्र की आत्मा में पहुंचना है तो उस मंत्र के मूल स्वरूप को समझना पड़ेगा, और जब मंत्र के मूल स्वरूप को समझ लेंगे आप अगला मंत्र के मूल स्वरूप को तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कितना बड़ा अद्वितीय मंत्र को संसार में है, अद्वितीय मंत्र क्योंकि उसका एक एक अक्षर अपने आप में बहुत बड़े बड़े रहस्य बहुत बड़ी बड़ी सघन गहनता छुपाई हुई, कोई भी अक्षर व्यक्त नहीं है, सबसे बहुत बड़ी बात है बहुत शब्द का भी कुछ अर्थ है तो बहुत शब्द कह सकता है, अक्षर अपने आप में इतने महत्वपूर्ण है,
इतनी गहराई है उसमें, इतना उसका चिंतन है, उसकी विचारधारा को समझना है, उस मंत्र की मूल आत्मा को, उसकी भावना को समझना है, तब वो मंत्र आपके अंदर समाविष्ट हो सकेगा। ये कथा शाम के पक्ष में मैं आपको मंत्र की मूल आत्मा फिर भी मैं अपनी साधना से बराबर ही देखता हूँ कि आपका क्रम, आपका विन्यास, आपका चिंतन और मंत्र की जो शैली है बोलने की, वो मंत्र जाप है, वह अपने आप में बोलिए, वह अपने आप में ब्राह्मण है। आप एम ए पास है नहीं, सर पी एच डी है नहीं, इसलिए मैं उम्मीद नहीं करता हूँ कि आप बिल्कुल शुद्ध संस्कृत गर्भ हिंदी बोलेंगे इस दिन की, मगर यदि आप टेंथ में हैं तो व्यक्ति आप बोल रहे हैं और इस क्रम से यदि चलेंगे तो सफलता निश्चित रूप से, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ, मगर फिर भी बहुत दृढ़ता की जरूरत है, क्योंकि ये साधना अपने आप में महत्वपूर्ण साधना है, द्वितीय साधना है और हमें सफलता प्राप्त करनी ही है, इस लक्ष्य को सामने रखना है, सुख का या चिंतन दूर का विचार सबसे रखना ही नहीं है, और तो वैसा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। मेरे आत्मीय शिष्यों और साथ महामाया वर्गामुखी देवी को हृदय में धारण करता हुआ मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे आप सभी के हृदय में स्थापित हों और मातृवत आपको ममत्व देती हुई साधना में प्रार्थना काल बगलामुखी देवी की आंतरिक और बाह्य वृत्तियों के स्वरूप निरूपण में मैंने उसके संदर्भ में मंत्र शब्द की व्याख्या और मंत्र का ध्वन्यार्थ, मंत्र का शब्दार्थ और मंत्र का शब्दार्थ समझाने का प्रयास किया। यद्यपि केवल मंत्र शब्द पर ही बोला जाए तो 8-10 इस प्रकार के प्रवचन समय कम हो सकते हैं, क्योंकि यह शब्द अपने आप में इतना विस्तृत व्याख्या लिए हुए होता है कि एक सिटिंग में उस मंत्र शब्द को भली प्रकार से नहीं समझा जा सकता, उसके लिए तो कई इस प्रकार की सिटिंगें या इस प्रकार के प्रवचन होने आवश्यक हैं, तब हम इतने बड़े व्यापक परिवेश से संबंधित मंत्र को समझ सकते हैं, मगर फिर भी मोटे रूप में कालिदास के शब्दों में वागर्था संप्रतो वागर्थ प्रतिपत्तये जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरु, वाक और अर्थ वागर्था जो मुंह से निकलेगा वाक उसका अर्थ जरूर होगा, बिना अर्थ के कोई शब्द निकल नहीं सकता, वाक और अर्थ दोनों जुड़े हुए हैं, ज्यों ही मैं पानी शब्द बोलूंगा ज्यों ही आपके मानस में बिंब बनेगा एक ऐसा तरल पदार्थ जो पीने के काम आता है, क्योंकि शब्द के साथ उसका अर्थ जुड़ा हुआ है और यही वाक और अर्थ पूरे संसार को परस्पर बांधे हुए हैं। मैं परस्पर शब्द लगा रहा हूं, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ से,
एक ध्वनि का दूसरी ध्वनि से जो संबंध है वो उस वाक और अर्थ के माध्यम से है, और उस वाक को भगवान शंकर कहा गया है और अर्थ को पार्वती कहा गया है। इसीलिए कालिदास ने शाकुंतलम लिखने से पहले प्रारंभ में शंकर पार्वती को स्मरण करते हुए कहा है कि जिस प्रकार वाक और अर्थ आपस में जुड़े हुए अलग हो ही नहीं सकते, उसी प्रकार से अर्धनारीश्वर भगवान शंकर और पार्वती अलग हो ही नहीं सकते। वो अर्धनारीश्वर है, आधा स्वरूप जहाँ शंकर का है आधा स्वरूप वहाँ पार्वती का है, और इसीलिए मैं अर्धनारीश्वर भगवान शंकर को पढ़ा। यह अर्धनारीश्वर का स्वरूप और स्वरूप की व्याख्या केवल वाक और अर्थ के संदर्भ में ही नहीं है, इस मूल शब्द की उत्पत्ति अर्धनारीश्वर की कल्पना प्रणव के माध्यम से अंकित। हम जो प्रणव ओम शब्द लगाते हैं बगलामुखी मंत्र में भी और गायत्री मंत्र में भी और किसी भी मंत्र में, इसका तात्पर्य है कि यह प्रणव अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण शब्द होना चाहिए, कि प्रत्येक मंत्र के प्रारंभ में इसको लगाना आवश्यक और अनिवार्य माना है, चाहे वो लक्ष्मी का मंत्र हो, चाहे वो भैरव का मंत्र हो, चाहे वो सामान्य मंत्र हो, चाहे वो विशिष्ट मंत्र हो। और यह ओम शब्द तीन अक्षरों से मिलकर के बना है, अ उ म, इन तीनों की संयुक्तिकरण से ओम शब्द की उत्पत्ति हुई। इन तीनों अक्षरों का अपने आप में अलग अलग दुनिया, क्योंकि वेद व्यास में वेदों का संपादन करते हुए व्यास जी ने ओम शब्द की व्युत्पत्ति बताते हुए कहा, असुरे तो ब्रह्मांडम ओंकारात् मम उच्यते मकार चात वर्गाभ्याम ओम शब्द प्रतीयते। ओम शब्द की प्रतीयत्व जो है वह अ उ म तीनों अक्षरों से मिलाकर के बनी है, और अ शब्द भगवान शंकर के तांडव नृत्य का प्रथम लक्ष्य है, क्योंकि शब्द और शब्द की झंकार शब्द की ध्वनि सबसे पहले भगवान शंकर के तांडव नृत्य के माध्यम से उस लक्ष्य के माध्यम से कमसा लक्ष्य जब सती के टुकड़े टुकड़े हो गए तब अत्यंत क्रोधित होकर के भगवान शंकर ने तांडव किया, एक लाश किया, एक नृत्य किया, और उस नृत्य के माध्यम से जो स्वर में लहरियां पैदा हुई उस नृत्य के माध्यम से संसार का और पूरे ब्रह्मांड का पहला नृत्य उस क्रोधित अवस्था में जिसमें उस सती जो कि भगवान शंकर की अर्धांगिनी थी, दक्ष की पुत्री, और जब वह दास मिलकर उनके हाथ में आ गई तब उस क्रोधित अवस्था में उन्होंने उस दक्ष यज्ञ में जो तांडव किया, जो लाश्य किया, उस लाश्य के माध्यम से पहली ध्वनि और निकली, क्योंकि उसमें 14 ध्वनियां निकली। उन 14 ध्वनियों का व्युत्पत्ति पाणिनि के व्याकरण में, वेद का संस्कृत वेदोक्त संस्कृत को जब संपादन किया गया, उसको सही ढंग से एडजस्ट किया गया, तब उस एडजस्ट करने वाला व्यक्ति था पाणिनि। इसीलिए पाणिनि की लघु सिद्धांत कौमुदी, यदि आप संस्कृत कोई पढ़े लिखे हो या संस्कृत का थोड़ा बहुत ध्यान रखा हो, उस पाणी ने कहा है कि 14 दुनिया पहली निकली और लास्ट से तांडव से नृत्य से निकली,
ਆਈ ਹੁਣ ਰੀਲ ਤੱਕ ਇਹ ਆਮ ਇਹ ਆਉਣ ਆਇਆ ਬਾਰਾ ਟੰਡਾਣਾ ਜਮ ਗਣ ਨਮ ਜਬਾਇਆ ਜੜ ਦਸ ਕੱਪ ਤਟ ਤਰ ਸਕ ਸਾਵ ਕੱਪਿਆ ਤਰ ਸੋ ਰਹਾ ਇਨ 14 ਧੁਨੀਓ ਕੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸੇ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਸਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਏ ਔਰ ਇਹ 14 ਦੁਨੀਆ 7 ਸੁਰੋਂ ਮੇਂ ਵਿਭਕਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸਕੋ ਕਹਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਸਾ ਰੇ ਗ ਮ ਪ ਧ ਨੀ ਜਾਂ ਮੂਲਤਃ ਸਾ ਰੇ ਗ ਮ ਪ ਧ ਨੀ 7 ਵਾਪਿਸ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਨ 14 ਦੁਨੀਓ ਕਾ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤੀਕਰਨ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੰਧਰਵ ਵਿਦਿਆ ਕਾ ਆਧਾਰ ਜਿਸਕੋ ਮੈਂ ਸਾ ਰੇ ਗ ਮ ਪ ਧ ਨੀ ਕਹਾ ਇਸਲੀਏ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਕਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਬਿੰਦੂ ਔਰ ਯਹੀ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਭਾਸ਼ਾਓ ਕਾ ਪ੍ਰਥਮ ਅਕਸ਼ਰ ਬਣਾ ਹਿੰਦੀ ਮੇਂ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੇਂ।